हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांडला नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत, भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों में लगी आग एक व्यक्ति जिंदा जला। उपखंड के समीपवर्ती अनादरा थाना के गुलाबगंज गांव स्थित हाईवे पर मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां दो ट्रॉलर की आमने सामने टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते दोनों वाहन हाईवे पर धू धू कर जलने लगे और कुछ ही पलों में एक ट्रॉलर के ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि आग व धुएं की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। आग की लपटों व धुओं के गुब्बारों को देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को रोक दिया। सूचना के बाद डिप्टी घनश्याम वर्मा, तहसीलदार जगदीश विशोई, थाना अधिकारी गीता सिंह, BDO मनहर विशोई, पटवारी रवेचीदान चारण भी घटना स्थल पर तुरंत प्रभाव से पहुंचे, जिसके बाद सिरोही फायर ब्रिगेड को आग की घटना के बारे में सूचना दी, जो करीब 2 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची। तब तक दोनों ट्रॉलर जलकर राख हो गए थे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद देखा तो एक ट्रॉलर में से दोनों व्यक्ति पहले ही बाहर निकल गए थे और दूसरे ट्रॉलर में फंसा ड्राइवर जिंदा जल गया, जिसके बाद ट्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटवाया। साथ ही चालकों के जलने के बाद अस्थियों को सफेद कपड़े में बांधकर रखा गया, अंदर ही फंसा रह गया एक ट्रॉलर का ड्राइवर जिंदा जला। जानकारी के मुताबिक गुलाबगंज के पास में हुए हादसे में एक ट्रक में पाउडर और दूसरे में कोयला लगा हुआ था, जिसमें से एक सिरोही की तरफ व एक अनादरा की तरफ आ रहे थे, लेकिन गुलाबगंज हाईवे पर पहुंचते ही दोनों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कोयले से लदे ट्रॉलर का चालक बुरी तरह ट्रॉलर के कैबिन में ही फंस गया और टक्कर से निकली चिंगारी से ट्रॉलर में आग लग गई। आग लगने के बाद देखते ही देखते दोनों ट्रॉलर पूरी तरह जलकर खाक हो गए और एक चालक की ट्रॉलर के अंदर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सिरोही से पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन एक ट्रक चालक कालूराम पुत्र हरकरण जाति जाट उम्र 30 साल निवासी बनेवड़ी अजमेर को बचाया जा सका। जले हुए शत विशत शव को कपड़े में बांधकर सुपुर्द कर दिया। 2 घंटे तक रहा ट्रैफिक जाम। गुलाबगंज हाईवे पर हुए हादसे के बाद सिरोही अनादरा हाईवे पर दोनों तरफ यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जो करीब 2 घंटे तक जाम रहा। सूचना मिलने पर अनादरा पुलिस भी पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से 2 घंटे बाद ट्रैफिक व्यवस्था को शुरू करवाया गया, लेकिन 5 मिनट तक शुरू रखने के बाद ट्रॉलर में पुनः आग के गुब्बारे निकलने लगे, जिसे वापस रोका गया और लंबे इंतजार के बाद क्रेन मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रॉलर को साइड में करवा कर ट्रैफिक शुरू किया गया। गनीमत रहा कि जहां ट्रॉलर में आग लगी उसके पास ही खेत में गेहूं की फसल पड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर स्थित कांटे की बाड़ में आग लगते ही लोगों द्वारा बाड़ को हटा दिया गया, जिससे किसान को नुकसान होने से बच गया। आग की घटनाओं से निपटने के लिए नहीं दमकल का इंतजाम। रेवदर उपखंड सहित आसपास के गांव में हजारों की आबादी के बीच एक भी फायर स्टेशन नहीं है। हालात ये है कि जनप्रतिनिधि और विभागीय शिथिलता के चलते संसाधन विहीन फायर ब्रिगेड की वजह से हर वर्ष में किसानों द्वारा हाड़ तोड़ पसीना बहा कर की गई। लाखों रुपए की कमाई राख में तब्दील हो जाती है और विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि सिर्फ मुख दर्शक ही बने रहे हैं। वैसे कई बार देखा है कि किसान हाड़ तोड़ पसीना बहा कर अनाज पैदा करते हैं, लेकिन विद्युत शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से यदि आग लग जाती है तो गंतव्य स्थान पहुंचने में दमकल गाड़ियां रेंगते हुए मौके पर पहुंचती तो है, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका होता है। तो वहीं हाईवे पर भी ट्रकों में आगजनी की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं होने के चलते करीब 50 किलोमीटर दूर सिरोही से मंगवानी पड़ रही, तब तक सब कुछ रात में तब्दील हो जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर व्यवस्था करवानी चाहिए। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।